भारत में किसी भी शहर में बस स्टेशन होते हैं और बस स्टेशन पे तीन लोग तो मिल ही जाते हैं जिसे हम समाज की गंदगी कहते हैं, भिखारी, जेब कतरे और पागल। तो यह है कहानी इन तीनों की, जिनकी लाइफ एक ही दिन में चेंज हो जाती है किसी चमत्कार की तरह। यह है दीनबंधु उपाध्याय, बहुत ही बड़े समाज सुधार। इसको देखकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह है हमारे भिखारी भाई साहब, जो आपको भारत में कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे मिल जाएंगे। यह है नीरज, 15 अगस्त को किसी ने झंडे का अपमान कर दिया, तब इनको इतना गुस्सा आया कि यह अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और पागल हो गए। भाई इंडिया में तो बहुत सारे काम है करने को, तो फिर तूने यही काम क्यों चुना? क्या करें साहब, मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये समाज में ऐसा टुकराया है साहब कि अब तो ऐसे जीना मेरी फितरत हो गई है। चल मेरे साथ, मैं एक समाज सुधारक हूँ और समाज का दुख दर्द मेरा दुख दर्द। ठीक है चल। हिंदुस्तान हमारा है, पाकिस्तान तुम्हारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान हमारा है। आतंकवाद मत करा, आतंकवादी दूर रहो। वंदे मातरम, हिंदुस्तान अच्छा है। देखो, तुम लोगों के भले के लिए और तुम लोगों की अच्छी लाइफ के लिए मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। वंदे मातरम। कहाँ ले जा रहे हो? कोई बड़ा प्लान है चोरी का? चुप, बिल्कुल चुप। वंदे मातरम। मैं आप लोगों को सुधारना चाहता हूँ। ये समाज ने हमें बिगाड़ दिया और ये समाज सेवक हमें सुधारेगा? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। इस 29 मार्च को हमें इस शहर में तीन जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं और इसके लिए तुम्हें ढेर सारे रुपए मिलेंगे और तुम लोगों की बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी।
रुपयों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता। अरे मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं एक नया झंडा खरीदूंगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान तुम्हारा है। इन लोगों ने मुझे एक एक रुपए के लिए बहुत तरसाया है। जब मैं अमीर बन जाऊंगा ना, तब किसी को एक रुपया तक नहीं दूंगा। ओके, तो प्लान ये है। सालों, बम फटा क्यों नहीं? हरामजादे, हमने बम को नष्ट कर दिया। हरामजादे, क्या बकवास कर रहा है तू? इस समाज के लोगों की जेब काट कर जीता था मैं, और आज तू उसी को उड़ाने की बात कर रहा है। कुत्ते, हम समाज की गंदगी जरूर है लेकिन देश के गद्दा नहीं है। साले, हम समाज की गंदगी जरूर है लेकिन देश के गद्दा नहीं। तो साले देश का गद्दा। इस गद्दार को देश से मुक्त करो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। साले गद्दार, तूने सोच भी कैसे लिया कि हम चोर भिखारी हैं तो तेरे साथ मिलके देश के साथ गद्दारी करेंगे? साले, जब देश की बात आएगी ना, तब हम सब भूल जाओ। तू जैसे कुत्ते को काट के कुत्तों को ही खिला, तभी तो जाके देश में शांति होगी। इस गद्दार को इस देश से मुक्त करो। मारो। इस गद्दार को मार के भारत माता की जय। साले गद्दार, तू इस देश में बम फोड़ेगा, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो मुझे भीख कौन देता है? हाँ यार, हो गया इसका और भारत माता का कल्याण। साले ने समझ क्या रखा था? जेब कतरा हूं तो क्या देश के साथ गद्दारी करूंगा? नॉनसेंस।